दोस्तों इमेजिन करिए, एक सड़क हादसे में आपकी याददाश्त खो चुकी है और अब आपको उस एक्सीडेंट से पहले की कोई भी चीज याद नहीं है, यानी कि आपका नाम, परिवार, काम एंड इवन आपका कैरेक्टर भी। आप सब कुछ भूल चुके हो और अब आपके लिए ये दुनिया बिल्कुल नई सी है, जहाँ नए लोग, नई कहानियाँ और नए एक्सपीरियंसेस हैं। बट क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या इंसानों की मेमोरी इस हद तक जा सकती है कि वो अपना पास्ट ही भूल जाए? वेल, आपको जान के हैरानी होगी बट ऐसा सच में पॉसिबल है और इस बीमारी को रेट्रोग्रेड एमनीशिया कहते हैं। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम कड़क सिंह है, जो कि इसी बीमारी पर बेस्ड है। मिस्टर श्रीवास्तव के केस में हमने रेट्रोग्रेड एमनीशिया का डायग्नोसिस किया है। रेट्रोग्रेड एमनीशिया एक ऐसा तरह का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक इंसान एक इवेंट से पहले की सारी चीजों को भूल जाता है। वो इंसिडेंट किसी तरह का ट्रॉमा या फिर कोई ब्रेन इंजरी भी हो सकता है। मूवी में दिखाया गया है कि पंकज त्रिपाठी, जो कि एक ऑफिसर हैं, उनकी मेमोरी चली गई है और सभी लोग मिलकर इनकी मेमोरी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही केस हमें 1953 में देखने को मिला था, जहां हेनरी मोलाइजन नाम का एक आदमी अपनी ब्रेन सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाता है। सर्जरी तो सक्सेसफुल रहता है बट हेनरी के रिकवर होने के बाद कुछ अजीब देखने को मिलता है। हेनरी उन सारी चीज़ों को भूल चुका होता है जो उसके साथ सर्जरी से पहले हुई थी। बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ। वैसे साइंटिस्ट ने अभी तक इसका कोई एक्चुअल रीजन नहीं बताया है, बट ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में लगी चोट रिस्पॉन्सिबल होती है एमनीशिया के लिए। बट एक सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि एक इंसान जिसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया है, उसकी लाइफ कैसी होगी? सो जो पहला इम्पैक्ट आपको एक इंसान की जिंदगी में देखने को मिलता है, वह है उसका आइडेंटिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। हम बहुत हद तक अपने आप को वो मानते हैं जो हमने सालों तक अपने लिए मेमोरीज बनाई हैं और उन मेमोरीज को हम कैसे देखते हैं, यानी साफ साफ शब्दों में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। नाउ इमेजिन, आप एक सुबह उठते हो और आपके पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज जा चुकी है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप खुद से पूछोगे वो ये होगा कि आप हो कौन, क्योंकि आप जो खुद को मानते आ रहे थे वो आपके मेमोरी के साथ खत्म हो चुका है। हालांकि ऐसे केसेस में आपका परिवार और आपके फ्रेंड्स आपके साथ तो रहेंगे, बट देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो सभी लोग आपके लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर ही हों। यहाँ से एक चीज समझने वाली ये है कि आपकी पर्सनैलिटी और कुछ नहीं बल्कि आपके कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं और आप उन एक्सपीरियंस को कैसे देखते हो। दूसरा इफेक्ट आपको एक इंसान के रिलेशनशिप और इमोशनल बॉन्डिंग में देखने को मिलता है। इमेजिन अगर मैं आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में से मेमोरीज निकाल दूँ, क्या अब भी आप उस इंसान को वैसे ही प्यार कर पाओगे जैसे पहले करते थे? इंसानी इमोशन और रिलेशनशिप मेमोरीज पे चलते हैं। आपकी खुशियाँ और गम इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका अपना कौन है। फॉर एग्जांपल, दुनिया में हर दिन हजारों लोग की मौत होती है बट आपको फर्क नहीं पड़ता। बट द मोमेंट यू लॉस समवन जिसके साथ आपकी मेमोरीज जुड़ी है, आप उस दर्द को महसूस कर पाते हो। ऐसा ही कुछ वो इंसान भी फील करता है जो किसी ऐसे इंसान से जुड़ा होता है जिसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया है। वो इंसान आपके साथ तो होता है बट टोटली अननोन। हालांकि अधिकतर केसेस में पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज याद रहती है, बट यही मेमोरीज उनके एंग्जाइटी का कारण भी बनता है, क्योंकि वो उन सारी मेमोरीज को बाकी मेमोरीज से रिलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आपको पता है कि आपकी वाइफ कौन है बट उसके साथ बिताया गया पल आप भूल चुके हो। शायद हम उस दर्द को महसूस भी ना कर पाए। तीसरा इम्पैक्ट एक इंसान के डे टू डे टास्क में होता है, जहां ना ही वो अब अपना काम जानता है और ना ही किसी तरह का डिसीजन ले पाता है, क्योंकि हम अपना डिसीजन मेकिंग पास्ट के एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए करते हैं। इसके अलावा डे टू डे टास्क जैसे कुकिंग, शेविंग, बाथिंग, वो हर चीज़ जो आपने अपने पास्ट में सीखी थी वो अब फिर से आपको दोहराना पड़ता है। मेमोरीज का हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अच्छे मेमोरीज हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं और बुरे मेमोरीज मेक इट वर्स्ट। बट वॉट अबाउट नो मेमोरीज? वेल, ये किसी एक ब्लैंक कैनवस की तरह है जिसे फिर से आपको पेंट करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में एक इंसान को फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना पड़ता है और अधिकतर टाइम आप उनके हाथ में कोई कॉपी या नोट्स को ज़रूर देखोगे। रेट्रोग्रेड एमनीशिया के पेशेंट्स के केस में आपको फॉल्स मेमोरी का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि ऐसी मेमोरी जो वो मानते हैं कि उनके साथ हुआ बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पेशेंट ऐसे मेमोरीज गैप को फिल करने के लिए करते हैं, ताकि दो अलग मेमोरीज जो उन्हें याद हैं उसे वो कनेक्ट कर पाएं किसी तीसरे मेमोरी से, जो कि एक फॉल्स मेमोरी होती है। एमनीशिया के कई केसेस आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएंगे,
उन्हीं में से एक बड़ा एग्जाम्पल आपको क्लाइव वियरिंग का केस देखने को मिलता है। क्लाइव एक ऐसे पेशेंट है जिनकी सिर्फ 7 सेकेंड की मेमोरी है, यानी कि 7 सेकेंड से पहले क्या हुआ था उनकी ज़िंदगी में उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वो एक ऐसे इंसान है जो एक्चुअल में प्रेजेंट में जी रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अनटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट्स हर्ष हियर एंड यू आर वॉचिंग मिस्टर ग्रे।